ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं YouTube का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साजगार की मुकाबले के दो अच्छे स्टॉक्स, साजगार की तरह मुकाबले के दो अच्छे स्टॉक्स 18% कमी 26% पर आ चुके हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि 26% पर हम आ चुके हैं, क्या किस चीज के ऊपर आ चुके हैं, ये सारी बात इस वीलॉग के अंदर करेंगे। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हम एहतियात बरतें, उन स्टॉक से एग्जिट कर जाए जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मार्केट का इंडेक्स लेवल जो कि शॉर्ट ग्राफ आपके सामने है, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल हमने आपको बताया था कि मार्केट का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट डिक्लाइन करेगा और मार्केट अपना ट्रेंड लेवल चेंज कर चुका है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि 80,650 का लेवल ब्रेक हुआ है और मार्केट ने आज डिक्लाइन किया और मार्केट आज नेगेटिव क्लोज रही है। एक टाइम में 300 पॉइंट प्लस तक तो गई थी, लेकिन मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी एग्जिट होने की। उसके बाद मार्केट में 830 पॉइंट की कमी रही और मार्केट क्लोज रही 830 पॉइंट के नेगेटिव के साथ 79,841 की तरफ। इसके अलावा वॉल्यूम्स में कमी रही, 495 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 610 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, वॉल्यूम में भी कमी हुई। टॉप वॉल्यूम लीडर टॉप गेनर्स डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आज वो सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे जो स्लो परफॉर्म कर, जो साइड बोर्ड थे, जैसे कि फूड सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, सिंथेटिक्स, शुगर्स, इनमें पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो कल भी कमर्शियल बैंक डाउन था, आज भी कमर्शियल बैंक जो कि ज्यादा बढ़ चुका था इसलिए डिक्लाइन हुआ। सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, इनमें रिफाइनरीज वगैरह में हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि मार्केट के अंदर और भी काफ़ी सारी न्यूज़ थी, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो IMF के साथ 6.5 अरब डॉलर का मुआहदा आइंदा 2 हफ्ते में होने का इम्कान है। ये पॉजिटिव खबर थी जो कि IMF के साथ किसी भी टाइम यानी 2 हफ्तों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है। इसके अलावा कल हमने कुछ रेजिस्टेंस लेवल दिए थे जिसमें बैंकों के भी थे, बहुत सारे स्टॉक से थे, रेजिस्टेंस लेवल के पास आके हमने उनमें प्रॉफिट टेकिंग यानी कि देखी। इसके अलावा जो मुहर्रम के हवाले से यानी कि नोटिस आ चुका है हॉलीडेज का, जिसमें 16 से लेके 17 तारीख तक यानी कि हॉलीडेज होंगे और 9-10 मुहर्रम को यानी कि स्टॉक मार्केट बंद होगी। साजगार की अगर हम सेल्स देखें तो साजगार की सेल्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्रोडक्शन के मुकाबले में देखा जाए प्रोडक्शन थी 1323 और जबकि सेल्स में इजाफा हुआ 1818, ये थ्री व्हीलर्स के अंदर, जबकि फोर व्हीलर में भी सेल्स में इजाफा हुआ है 871 सेल हुए यूनिट, जबकि 827 यूनिट यानी कि प्रोडक्शन हुए। तो ये साजगार के बेसिकली देखा जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं जिसके ऊपर साजगार एक बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, आज ये खबरें थी, मगर इसके बावजूद भी हमने देखा टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से मार्केट ओवरबोर्ड थी जिसकी वजह से मार्केट अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अच्छा, आरिफ इलाही ने देखा जाए तो करडुबा वेंचर्स लॉजिस्टिक के 0.3 मिलियन हिस्सेस खरीद लिए। पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से रेटिंग यानी कि मेंटेन रही है, पाकरा ने रेटिंग जो पाक इलेक्ट्रॉन की थी उसको मेंटेन रखा है जो कि पाक इलेक्ट्रॉन के लिए अच्छा है। अच्छा, जून में अगर हम देखें जून 2024 में साजगार के ऑटो रिक्शा के फरोख्त में 3 गुना इजाफा हुआ है। माली साल 2024 में गाड़ी की फरोख्त में 18% कमी हुई है, 18% यानी कि गाड़ियों की सेल में कमी हुई देखा जाए तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सही नहीं है, नेगेटिव है। अच्छा, गैर मुल्की सरमाएकारों के का पाकिस्तान की सलामती पर तश्वीश का इजहार, ये नेगेटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से टेक्निकल तो आपका नेगेटिव था लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद भी मार्केट में जो कॉन्फिडेंस नहीं था आज के दिन में वो यही वजह थी और इसी वजह से सेलिंग हो रही थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए में 11 पैसे का यानी कि कमी रही है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो और भी काफ़ी न्यूज़ थी मार्केट के अंदर जिसके ऊपर मार्केट ने परफॉर्म किया। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $81.50 के पास। क्रूड ऑयल डिक्लाइन कर चुका है अच्छा खासा। क्रूड ऑयल अगर 80 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 82 से लेके 84 तक जा सकता है अपसाइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें तो इस वक्त गोल्ड चल रहा है तो 2388 यानी कि $20 प्लस है और जबकि सिल्वर चल रहा है 3131 चल रहा है।
गोल्ड अगर 2395 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज गोल्ड यहाँ से डिक्लाइन करेगा, 2380 से लेके 2350 तक डिक्लाइन करेगा। सिल्वर में भी यही कि अगर 3160 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सिल्वर आपका अप हो जाएगा, अदरवाइज अगर 3160 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से डिक्लाइन करेगा, 31 से लेके 3050 तक, 3020 तक यानी डिक्लाइन करेगा। तो गोल्ड सिल्वर जैसे जैसे आप सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 80,206 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और 79,555 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट जो कल तक वीक के हिसाब से ओवरबॉट थी, अब वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड हो गई 623 पॉइंट, जबकि साल और मंथ के हिसाब से मार्केट जो ओवरबॉट थी उसमें कुछ कमी हुई है, तकरीबन 800 पॉइंट की कमी हुई है। मंथ में भी 4,400 तक चली गई थी, अब 3,400 तक आ चुकी है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें कि अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, तो टेक्निकल चार्ट आपके सामने देखिए, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट आपकी अभी भी जो टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, और मार्केट इस वक्त जो 75% 80% ओवरबोट थी अब 26% पर आ चुकी है। यानी कि देखा जाए तो इंडेक्स जो है जो करेक्शन हुई है वो 26% पर आ चुके हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि टेक्निकल चार्ट आपके सामने जिसमें एक्सपेक्ट करिए कि अगर मार्केट यहाँ से कल के दिन में डिक्लाइन करती है तो 10-12% 15% डिक्लाइन कर सकती है टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से, इंडेक्स के ग्राफ से नहीं। तो इसमें यही होगा कि रिबाउंड होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ट्रेंड लेवल आपका जो इंडेक्स का जो ट्रेंड लेवल है वो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड है। अब आप ग्राफ देख रहे होंगे, आपके ग्राफ के सामने अगर हम देखें तो 79,800 सपोर्ट आ रही है, अगर ये लेवल कल के दिन में स्टार्टिंग में ब्रेक हो जाता है तो 79,200 सपोर्ट आ रही है मार्केट की। और आपने करना ये होगा कि कल स्टार्ट में ये हो सकता है कि जैसे ही सुबह आते ही, क्योंकि मार्केट आज लोअर साइड पे क्लोज रही है 830 पॉइंट, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी स्टार्टिंग में ही 100-200 पॉइंट माइनस हो, अगर 100-200 पॉइंट माइनस होती है तो मार्केट के पास जगह होगी कि मार्केट स्टार्टिंग में 300-600 पॉइंट माइनस है और फिर शार्प तरीके से रिबाउंड कर जाए, तो घबराने वाली बात नहीं होगी। अगर मार्केट स्टार्टिंग में डिक्लाइन कर जाती है तो 79,200 से रिबाउंड होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, जिसमें जैसे मार्केट आपकी रिकवर करेगी, शॉर्ट रिकवरी लेगी, तो वो स्टॉक्स जो नहीं बढ़े थे और गिर गए थे इंशाल्लाह उनमें रिकवरी फास्ट होगी, और जो बढ़ चुके उनमें भी थोड़ी रिकवरी की जगह बनेगी। लेकिन उसमें आपने करना यही होगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना पड़ेगा और प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। इंडेक्स का जो रिस्टेंस लेवल बनता है कल के लिए 80,300 का लेवल बनता है, अगर 80,300 का लेवल ब्रेक कर जाती है मार्केट तो फिर मार्केट के पास 80,600 से लेके 81,100 फिर मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल का सामना होगा। मार्केट का जो ट्रेंड लेवल है वो नेगेटिव हो चुका है, जिस वजह से हम इंडेक्स के अंदर गिरावट देख रहे हैं। पहले ये होता था कि 1000 पॉइंट प्लस होती थी और उसमें एक से दो सेक्टर चलते थे, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर और आपका फर्टिलाइजर, लेकिन अभी ये है कि मार्केट 200-300 पॉइंट आपकी प्लस होती है जिसमें सारे सेक्टर्स चलते हैं, रिफाइनरी भी चलता है, ऑटो भी चलता है, बहुत सारे सेक्टर्स जो नहीं चले होते वो चलते हैं। जबकि बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो गिरावट हो रही है, बैंकिंग सेक्टर उस तरह नहीं बढ़ रहा जिस तरह पहले बढ़ रहा था, क्योंकि ओवरबोट साइड पर आ चुका है। इंशाल्लाह कल भी एक्सपेक्टेड ये कि अगर मार्केट डिक्लाइन करेगी तो मार्केट के पास रिबाउंड होने के चांसेस हैं, और मार्केट बाउंस बैक जब करेगी तो उसमें शार्प तरीके से जो सेक्टर्स हैं वो आपके रिबाउंड करेंगे और रिकवरी की तरफ आएंगे। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहिएगा, कल अगर पैनिक ना होइएगा लोअर साइड पर, और हायर साइड पर नफा करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ स्टॉक से रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने ही, ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे तो मजीद रेजिस्टेंस लेवल का सामना होगा, और इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि डिप पर आपको दोबारा मिलने के चांसेस हो। अच्छा, दो स्टॉक्स जो साजगार के मुकाबले की तरह हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उसमें अगर देखा जाए तो नंबर वन पर एक्साइट बैटरी है। एक्साइट ने लेवल ब्रेक किया था आज से 500 रुपये का लेवल, और 500 के बाद इसका लेवल यही बनता था कि 890, 1200 और 1500 यानी जा सकते, क्योंकि एक्साइट बैटरी पहले भी माजी में 2375 का हाई बना चुका है, और इस वक्त अगर हम देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट कर चुका है। और फिर जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह सोलर की डिमांड है, गाड़ियों की हवाले से जो आगे बैटरी की बात हो रही है, गाड़ियाँ जैसे कि हाइब्रिड गाड़ियाँ और बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ, इस तरह की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें हो रही हैं, उसके लिए फिर बैटरी आपकी यानी बेहतर होगी। तो एक्साइट ने ब्रेकआउट किया है, और एक्साइट का स्टॉप लॉस भी 500 ही बनता है, अगर 500 तोड़ेगा तो ये टारगेट अचीव नहीं होंगे, 890, 1200, 1500 आने वाले वक्तों में मूव कर सकता है एक्साइट। सेकंड नंबर पे एटलस बैटरी है, क्योंकि एटलस बैटरी भी 235 का ब्रेकआउट लॉन्ग टाइम पहले कर चुका है और 400, 500 और 600 की तैयारी कर रहा है, ये भी एक साजगार की तरह
एक अच्छे स्टॉक्स है जो कि डिविडेंड्स भी देते हैं और पे आउट्स भी देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स होते हैं जो कि स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं और स्पेशल आइडियाज दे रहे होते हैं। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।